बीजेपी के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से स्टैंडिंग एमपी डॉक्टर उदित राज ने चौकीदारी छोड़ दी है। उन्होंने अपने ट्विटर पर नाम के आगे चौकीदार लगाया हुआ था और अब जब उनका टिकट कट गया है तो उन्होंने चौकीदारी छोड़ दी और वो चौकीदार उदित राज से वापस से डॉक्टर उदित राज बन गए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी खबरें थी कि बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों में से लगभग 3 सीटों पे पहले सांसदों का टिकट काट सकती है और इस बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से डॉक्टर उदित राज का टिकट काट दिया है और उनकी जगह टिकट दिया गया है हंसराज हंस को। और उदित राज इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो पार्टी छोड़ देंगे। पेशे से डॉक्टर उदित राज पिछले काफ़ी वक्त से चौकीदारी कर रहे थे और उन्होंने अपने ट्विटर पे नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था और उनको उम्मीद थी कि उनका टिकट नहीं कटेगा चाहे किसी का भी कट जाए। सभी एमपी को यही उम्मीद रहती है जो पिछली बार चुनाव जीते होते हैं और किसी को उम्मीद नहीं होती कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन नए चेहरों को भी मौका देना ज़रूरी होता है वरना पार्टी चलेगी कैसे, और यही हर पार्टी का दस्तूर है। और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से इस बार बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे हंसराज हंस, बल्कि उदित राज नहीं होंगे। अब उदित राज किस पार्टी में जाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, ये बात साफ है और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो कुछ वक्त में कर ही देंगे। इसके अलावा दिल्ली में हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है, जहाँ बीजेपी सेलिब्रिटी स्टेटस की तरफ ध्यान दे रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी स्टेटस की तरफ जा रही है। कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को उतार दिया है, बीजेपी ने गौतम गंभीर को उतार दिया है और बीजेपी के सेलिब्रिटी स्टेटस में मनोज तिवारी भी हैं, हंसराज हंस भी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी एजुकेटेड लोगों पर ध्यान दे रही है और आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स एजुकेटेड नेता को फील्ड करने की ओर घूम रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसा पिछला चुनाव हुआ था दिल्ली में इस बार भी वैसा ही होगा कि बीजेपी को तो एक तरफा बीजेपी का वोट बैंक मिलेगा और गैर बीजेपी वोट बैंक कांग्रेस और आप में बटेगा और आप हर सीट पर दूसरे नंबर पर रहेगी और वहीं कांग्रेस हर सीट पर तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन विजेंद्र सिंह के आने से शायद कांग्रेस कुछ उम्मीद करे कि एक सीट निकल जाए, और ऐसी खबर है कि कांग्रेस सुशील कुमार को भी मना रही है, जो कुश्ती करते हैं सुशील कुमार मना रही हैं। जाहिर सी बात है विजेंद्र कुमार हरियाणा से हैं और वो जाट फैमिली को बिलोंग करते हैं, सुशील कुमार भी हरियाणा से हैं वो भी जाट फैमिली को बिलोंग करते हैं, और पिछले 5 साल में ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ लगभग 90% जाट वोटर बीजेपी की तरफ गया था और पिछले 5 सालों में 3 वाक्य बीजेपी सरकार में जाटों के खिलाफ ऐसे हुए हैं कि इस बार मुश्किल से 30% वोट भी जाट का बीजेपी को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। खैर जो भी हो ये तो पता चल जाएगा 23 मई को, लेकिन मामला त्रिकोणीय जरूर है और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है दिल्ली की अधिकतर सीटों पर। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।